गुड मॉर्निंग गाइज. हेलो गाइज, हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम चेकआउट करने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी इसलिए हम वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए. हमने फटाफट ब्रेकफास्ट कर लिया और हम चेकआउट कर रहे हैं. पापा सारा सामान और हम सारा सामान लेके चेकआउट करने जा रहे हैं और फिर हम निकलेंगे किसी नई जगह पे. मे बी हम किसी टेम्पल जाएं या अरे कहना क्या चाहते हो? अभी शायद हम जाएंगे चर्च और उसके बाद हम पापा कौन सा टेम्पल था वो? ज्वाला जी जाएंगे शायद. तो देखते हैं, अभी जैसा रास्ता अलाउ करता है, जैसे टाइम अलाउ करता है, उसी के हिसाब से हम देखते हैं और जाएंगे और फिर आपको आगे का हम दिखाते हैं. तो चलो. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. तो गाइस, अब हम जा रहे हैं चर्च, जो कि मैक्लोडगंज की फेमस चर्च है, बहुत पुरानी है. और ये देखो आप यहाँ पे, ये पापा क्या याक है, क्या कहते हैं इसे? ये देखो ये याक है, इस पे मतलब ये ढोर है. हाँ, इसके सींग कितने अच्छे लग रहे थे, मतलब प्रॉपर उन्होंने डेकोरेट कर रखा था. फ्लफी फ्लफी. हाँ, यहाँ से तो नीचे की तरफ ही जाना है शायद. अरे देखो कितना बढ़िया वो बालू बना रखा है. हाँ, कितना अच्छा लग रहा है. ये क्या है, ये मतलब ये तो बढ़िया सा लग रहा है. कुछ ऊपर चलना है, कुछ एडवेंचर करना है ऊपर. कितने सुंदर सुंदर रास्ते हैं, मस्त जन्नत. वाह, ये रहा चर्च. अब मैं आपको दिखाता हूँ चर्च ऑफ सेंट जॉन इन वाइल्डरनेस, जो कि बना है ये 1852 में. ये देखिए यहाँ पे भी फोटोशूट. पापन तो बढ़िया लग रहे हैं, इन्होंने कैप ली थी वहाँ से. चलो हिमाचली कैप. अरे साइड से यहाँ से है रास्ता, ये सीढ़ियाँ ना यहाँ से. पापा कितना पुरानी सी लग रही है और कितनी बढ़िया लग रही है, मतलब अभी भी कहीं से भी खराब नहीं हुई चर्च ये. हाँ क्यों यार मम्मी, 175 साल के आसपास हो गए, 150 भी कहाँ है. हाँ ये चर्च की बेल है. ये बंद क्यों कर रखी है पर? अच्छा, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अमृतसर. आगे काम पढ़ नहीं रहे, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा. देखो कितनी सुंदर और क्या बढ़िया बना रखी है. शायद अंदर तो नहीं जाने देंगे या बंद कर रखा होगा अंदर से. तो अंदर से तो बंद होगा. हाँ और क्या, इसका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर देखने आते होंगे. हमने आपको बताया था ना कि हम नेक्स्ट जहाँ पर भी जाएंगे हम आपको बताएंगे. तो हमारे रास्ते में कांगड़ा माता का मंदिर पड़ता है, तो हम पहले वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए कांगड़ा माता के. फिर उसके बाद हमें रास्ते में जो भी मिलेगा, जहाँ पे भी हम जा पाएंगे, वो हम आपको वीडियो में शेयर करेंगे. क्या हम अपनी कार पार्किंग में लगाकर फिर हम कुछ चल के मंदिर तक जाएंगे? तरफ ही पार्किंग एरिया दिया हुआ है. अंदर तो थोड़ा खुली पार्किंग है, पर बाहर से अंदर आने में थोड़ा सा टफ है. हाँ ये अंदर है कांगड़ा माता के मंदिर का रास्ता और छोटी छोटी गलियां हैं, प्रॉपर सुंदर सुंदर शॉप्स हैं. वही है जैसे आप कटरा जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो, तो वहाँ पे भी मार्केट है, प्रॉपर सामान आप खरीद सकते हो वहाँ से. तो यहाँ पे भी वैसा ही है. बस आप एक चीज़ का खास ख्याल रखें, आप कुछ भी सामान ले रहे हो तो उसको खाके या पॉली बैग्स या पॉलीथीन आसपास मतलब गंदा ना करें. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. यहाँ पे लोग अच्छे से सफाई रखते हैं, तो आप उसी को फॉलो करें. जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप.
प्रसाद की दुकानें हैं, माला, कितनी सुंदर सुंदर मालाएं, कितनी सुंदर मालाएं देखो। ये प्रसाद की दुकान है, ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर मालाएं, मतलब ऐसी मैंने दिल्ली में नहीं देखी माला। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। मनाली की शादी के लिए ले चलते हैं, पर अभी से लेके फायदा नहीं। मम्मी यहाँ पर लाइन में लगे हैं, और ये कांगड़ा माता के अंदर का है। ये पूरा मंदिर है, और मैं आपको दिखाता हूँ, लाइन लगी हुई है बहुत लंबी, ये पूरी लाइन लगी हुई है, मतलब 3-4 zigzag rows है, और वहाँ से एंट्री है अंदर। शायद अंदर की वीडियो ना बनाने दें तो मैं देखता हूँ, अगर बनाने दी तो मैं बनाऊँगा, शो करूँगा आपको, दिखाऊँगा सबको। जैसा कि अब आप देख ही रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, तो माता के मंदिर में प्रॉपर फूलों की डेकोरेशन हुई है, इसीलिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि डेकोरेशन अंदर भी हो रही थी, और मैं आपको अंदर से भी पूरा दिखाऊँगा। ये माता के द्वार का, द्वार की एंट्री है। हमने कांगड़ा माता के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, अब हम देखते हैं आगे, अपना जहाँ कार खड़ी करी थी वहाँ से गाड़ी उठाएंगे, और उससे पहले शायद कुछ ना कुछ खाएंगे। यहाँ पे छोले भटूरे दिख गए थे तो पापा को है कि हम छोले भटूरे खाएं, और मम्मी भी शायद अभी कुछ ना कुछ शॉप करने की सोच रही हैं, कुछ लेने की सोच रही हैं, कि घर वालों के लिए कुछ ले लेंगे, वही देखते हैं। अच्छी थी, मतलब ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, पर हाँ ठीक है, ठीक ठीक चढ़ाई है। और क्या काली वाली टॉफी भी अच्छी है, दोनों। अब हम आ गए हैं श्री ज्वाला जी मुखी मंदिर, और हम आपको यहाँ का भी पूरा दिखाएंगे, शो करेंगे। ये ज्वाला जी मुखी जाने के लिए रास्ता है, ये एंट्री है ज्वाला जी मंदिर की, ज्वाला जी मुखी मंदिर है वैसे तो प्रॉपर नेम। और यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, नीचे भी बहुत सारी शॉप्स हैं, इन्हीं प्रसाद वाली दुकान से आप वहाँ पे शूज़ उतार सकते हैं। अंदर का तो उन्होंने नहीं वीडियो बनाने दी, पर मैं आपको बार बार से तो पूरा दिखा ही रहा हूँ। सॉरी गाइज फॉर द इंटरप्शन ड्यूरिंग द वीडियो, हम आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज हैव अ लुक। हेलो गाइज, हेलो, आज हम आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करने वाले हैं। ये है हमारे पास, हमें रिसीव हुआ है स्टैमियो का आमला भृंगराज हेयर ऑयल एंड हेयर शैम्पू, ये दोनों हमें अभी 1 वीक पहले रिसीव हुए थे। और ये शैम्पू इस तरह दिखता है, इस तरह के पैकेजिंग के साथ आता है, और हमारा हेयर ऑयल है
वो यूजुअली तो इस वाले कंटेनर के साथ आता है, बट हमें इसके साथ ये इसके साथ कैप भी रिसीव होती है, जिससे इसको यूज़ करना और अपने स्कैल्प पे लगाने के लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट है ये। प्लस शैम्पू भी बहुत कन्वीनियंट है, एज़ कुछ भी हसल वसल नहीं होता है, बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब से हमें ये रिसीव हुआ है, हम पास्ट वन वीक से दोनों हेयर ऑयल और शैम्पू दोनों यूज़ कर रहे हैं। मेरे हेयर्स ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड है, तो आई थिंक इसमें ऑलरेडी ये बता रहा है फॉर स्ट्रॉन्गर हेल्दियर एंड लस्ट्रस हेयर। तो मेनली सब लड़कियों को चाहिए होता है कि उनके बाल बहुत स्मूथ शाइनी दिखें। जब से ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, बालों में चमक भी रहती है, प्लस स्ट्रॉन्ग भी है और हेयर फॉल बहुत कम हो गया है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना। हाय गाइस, तो अब हम पंजाब पहुंच चुके हैं। तो हमें भूख लग रही थी और पापा को चाय पीने का मन कर रहा था, तो फिर हमने ये वैष्णो ढाबा है सरपंच का, तो यहाँ पे हम रुके हैं चाय पीने के लिए और कार यहीं पार्क कर दी। और वैसे तो अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, पर ढाबा ठीक लगा, पापा कह रहे थे चाय भी अच्छी मिल जाएगी इन पर, तो मैं आपको ढाबा दिखाता हूँ। चाय आ गई आप लोगों की? ये आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है और हमने आगे दिखाया था आपको, पर हमें वापस आना पड़ा क्योंकि कार पार्किंग में यहीं लगेगी, तो हमने कार अपनी यहीं पार्क कर दी है। अब हम आगे जा रहे हैं। ये आनंदपुर साहिब की मार्केट है, सामने ही लगा रखा है यहाँ पे प्रसाद, कुछ चॉकलेट, कुछ मीठा, बर्तन, अगर आपको कुछ ठंडा पीना है, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। छोटी मोटी शॉप्स खड़े हैं और उन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पे पूरा मतलब शॉप्स हैं जिसमें से आप खरीद सकते हैं। ये है एंट्री आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे की। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे का नाम केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा भी है, जो कि हमें अभी पता चला, हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे, ऊपर लिखा आ रहा था केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा, तो हम सोच के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि यार हमें आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा जाना था, ये तो केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा है। कोई नहीं, इसे भी कवर करते हैं और फिर हम आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में जाएंगे। पर हमने फिर किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, दोनों यही हैं, पर इसको केशगढ़ साहिब गुरुद्वारे के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, तो वही शो हो रहा है हर जगह। यहाँ पे भी मतलब थोड़ी सी चढ़ाई है, वो भी एकदम ऐसे लगता है जैसे आप वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे हो। अब तो चढ़ चढ़ के हालत थोड़ी सी ख़राब ही हो गई, क्योंकि एक दो दिन से हम पूरा ट्रैकिंग ही कर रहे हैं, कभी कोई मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पे चढ़ाई, फिर कभी दूसरे मंदिर में वहाँ पे भी चढ़ाई। तो अब हम आपको थोड़ी देर में आगे का दिखाते हैं। क्लॉक रूम यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे आप अपने शूज़ रख सकते हो, हेलमेट रख सकते हो, और अगर कुछ छोटा मोटा बैग है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसमें सामान नहीं है, तो आप वहाँ पे आप यहाँ पे कलेक्ट करके इकट्ठा सारा सामान रख सकते हो। साहिबा क्या नहीं करती रे,
घर पर तेरा सब किश है जिस तेरे सो बाबा सदा सिर तो सलाह तेरी नाम नाम जिनका मन बसया शब्द कहे कह नानक सच्चे आप घर के लिए निकल रहे हो जाके सोएंगे हम ज्वाला जी के दर्शन करके निकल चुके थे और हम अब बहुत लेट हो चुके हैं अभी 1:30 हो गए हैं अभी हम घर नहीं पहुँचे और बीच में ब्रेक लेने के लिए हम यहाँ मन्नत हवेली रुके हैं छोटा सा ब्रेक लेके कुछ खा पी के फिर हम निकलेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1:30 हो गए हैं शायद हमें घर पहुँचते पहुँचते 3-4 बज ही जाएंगे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है थकान हो रही है मन कर रहा है कि सो जाएं थोड़ी भूख भी लग रही थी तो सोचा चलो मन पे कुछ खा लेते हैं और ये बहुत सुंदर बना मतलब कभी भी हम आते हैं तो मेरा प्रेफरेंस स्पेशली यही रहता है कि सुखदेव ना जाके मन्नत पे आया जाए ये यहाँ पे मतलब थोड़ा सा क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी मेरे को ठीक लगती है बेटर है अच्छा है बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आसपास का और अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टिल देन गुड बाय टेक केयर स्टे कनेक्टेड कीप वॉचिंग